हेलो, वेलकम टू यमी श्विंग। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कुछ बहुत ही पॉपुलर और टेस्टी स्नैक्स, जो बारिश के मौसम में सभी को खाना बहुत पसंद होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्याज के पकौड़े और कचरी की। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हम लिए हैं 250 ग्राम चना का दाल, जिसे हमने लगभग 4 से 5 घंटे पहले अच्छे से धोकर और भिगो कर रख दिया था। और अब हम इससे सारा पानी हटा दिए हैं। और अब हम इसमें 10 लहसुन की कली डालेंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे और 4 पीस हरी मिर्च डालेंगे। और अब इन सब को हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। तो हम चना दाल को मिक्सर जार में डाल लेते हैं। हम सारा दाल एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में पीसेंगे। तो हम इसे मिक्सर जार में डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें इससे गाढ़ा ही पीसना है, तो हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल गाढ़ा इसे पीस लेंगे। देखिए कितना गाढ़ा बना है। और इसे हल्का सा दरदरा पीसेंगे, बहुत सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो देखिए हम चना दाल को पीस लिए हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे चना दाल को पीस लिए हैं। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाले हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाले हैं, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाले हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाले हैं और थोड़ा सा हींग डाले हैं। और इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल में पकौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे आप और भी कोई तेल में बना सकते हैं, पर हम तो प्रेफर करेंगे कि आप सरसों के तेल में ही बनाएं। हम गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं और मीडियम हॉट ऑयल में एक एक करके कचरी बनाएंगे। तो हम चम्मच से एक एक चम्मच बैटर को गरम तेल में डालते जाएंगे। हम गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं और मीडियम हॉट ऑयल में एक एक करके कचरी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से जितना भी हो सके हम एक बार में कचरी डाल दे रहे हैं फ्राई होने के लिए। अब हम इसे लगभग 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब 2-3 मिनट हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे और इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन कलर होने तक। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े मिल जाए तो बात ही क्या है। तो देखिए कचरी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हम कचरी को इस तरह से कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। हम इसे कढ़ाई में इस तरह से निकाल रहे हैं जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो कढ़ाई में ही निकल जाएगा। और सारे कचरी को इस तरह से हम निकाल ले रहे हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी और यम्मी कचरी तैयार है। ये कितना टेस्टी दिख रहा है। तो अब हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे, जिसके लिए हम 5 पीस प्याज लिए हैं। और अब हम इसे कट कर लेंगे, जिसे हम पहले छील लेते हैं और अब हम इसे लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे प्याज को काट लिए हैं। तो अब हम इसे बैटर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी काट कर डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कि हम इसमें 1 पीस हरी मिर्ची भी डाले हैं। और अब हम इसे एक एक करके सारे पकौड़े को तल लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और अब एक एक करके हम मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो एक साथ कढ़ाई में जितना आ सकता है हम उतना पकौड़ा डाल दे रहे हैं, जिससे ये एक साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम इतने सारे पकौड़े डाल दिए हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे कुछ टाइम एक साइड से पकने दें और फिर हम इसे पलटेंगे। तो देखिए मीडियम हॉट ऑयल में अच्छी तरह से पक रहा है। इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाएं, इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएं, जिससे ये बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए अब हम इसे थोड़ा सा पलट लेते हैं। तो देखिए प्याज का पकौड़ा कितना अच्छा बन रहा है हमारा। तो देखिए पकौड़ा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम इसे कढ़ाई के साइड में ले जाकर ऐसे निकाल ले रहे हैं, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो निकल जाएगा। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म प्याज का पकौड़ा भी तैयार हो गया है, जो कि हम चना दाल से बनाए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो हमारा एक साथ बहुत सारा प्याज का पकौड़ा और कचरी भी बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।